और सुन लो बात हमारी, अगर जनता का दबाव भी पैमाना है तो दबाव पर हमारे को कोई झेल नहीं पाएगा, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। और अगर वो चोर भी था तो आप जान से मार दोगे? उसे इस मुलजिम पहुंचे धारा घटाई न जाए, आर्थिक सहायता जिलाधिकारी दें, शासन को चिट्ठी लिखें। पहले एक हमारा सूर्यवंशी खटीक समाज का मारा था, समाजवादी की सरकार में 25 लाख दिया गए थे, अगर इनकी सरकार में नैतिकता है तो इन्हें भी पैसा। अलीगढ़ में मुस्लिम समुदाय के युवक की हत्या के बाद लगातार मामला बढ़ता जा रहा था। आज सभी जो पार्टियों के नेता हैं, सभी पार्टियों के नेता आज जिलाधिकारी से परिवार के साथ मिले हैं। किस तरह की मांग इन लोगों के द्वारा की गई है और क्या कुछ मांगे हैं, बातचीत करने के लिए जो यहाँ प्रतिनिधि हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। ये बताइए सलमान भाई, किस तरह की आज डीएम साहब से मुलाकात की है, किस तरह का आश्वासन दिया, क्या पूरा मामला? पीड़ित परिवार को लेकर जिलाधिकारी महोदय से मिले थे। जो निर्मम हत्या हुई है, सभी इंसानियत को मानने वाले लोग पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं। प्रशासन से मांग है इनकी आर्थिक मदद हो और इनकी संपूर्ण सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रशासन ले, और जो लोग इस घटना में शामिल थे उन सबको सजाएं हो, और कोई धारा किसी दूसरी धारा को जो तरमीम करने की बात चल रही, जिन धाराओं में मुकदमा कायम हुआ है उन्हीं धाराओं में मुकदमा आगे बढ़े और जो लोग दोषी थे उनको सजा हो, पीड़ित परिवार को न्याय मिले। बताइए लगातार जिस तरह से घटना हुई थी शहर में, उसके बाद दोनों समुदाय के लोग आमने सामने आए, शहर का माहौल भी खराब होने का प्रयास किया गया, क्या मानते हैं पूरी घटना? देखिए, आप सभी को बताया कि हम लोग बहुत शांति प्रिय लोग हैं, कल भी हम लोगों की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं करी गई जबकि हमारा व्यक्ति खत्म हुआ, मार दिया गया, हत्या कर दी गई, उसके बावजूद हम लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया जबकि हम लोगों को एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन एक्शन ले रहे हैं कौन? हत्यारों के समर्थक। अगर इसी तरीके से करते रहे तो अलीगढ़ की स्थिति क्या होगी, ये तो आपको ही पता है। संसद जी किस तरह डीएम साहब से मिले थे, किस तरह पीड़ित परिवार आपके साथ था, किस तरह का आश्वासन मिला? देखिए, सबका जो वर्जन है वही मेरा है, सबका एक ही है। निर्मम हत्या हुई है सीधे भले बच्चे की, वीडियो वायरल हो रहा है, जिन्होंने हत्या किया ओपनली है, 302 हुआ है। सारे मुलजिमों को जेल भेजने की मांग डीएम से हम सबने की है, शेष जो मुलजिम बचे तत्काल उन्हें भेजा जाए। लोग जो आग लगाना चाहते हैं मस्जिदों पर ईंटा पत्थर फेंक रहे हैं, इनके घरों को डराया धमकाया जा रहा है, ये एनएसए के पात्र हैं। ये घटना से पूरे शहर में आग लग सकती थी। मैं तो धन्यवाद देता चाहता हूँ आवाम को कि इन लोगों ने जरा भी उसको इतना उससे नहीं लिया, समझदारी से लिया, वरना तो शहर जल गया होता, कोई बचा ही नहीं पाता शहर को। तो उससे इस मुलजिम पहुंचे धारा घटाई न जाए, आर्थिक सहायता जिलाधिकारी दें, शासन को चिट्ठी लिखें। पहले एक हमारा सूर्यवंशी खटीक समाज का मारा था, समाजवादी की सरकार में 25 लाख दिया गए थे, अगर इनकी सरकार में नैतिकता है तो इन्हें भी पैसा दें, अन्यथा तो खमखा कूरे नाटक से काम नहीं चलेगा। और सुन लो बात हमारी, अगर जनता का दबाव भी पैमाना है तो दबाव पर हमारे को कोई झेल नहीं पाएगा, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। डीएम साहब ने किस तरह का आश्वासन? हमसे यही कहा है कि आपको कुछ नहीं, शांति से बैठिए, हम न्याय देंगे, आर्थिक सहायता भी दिलाएंगे और मुलजिम भी जेल जाएंगे, और इसके बाद देखते हैं क्या होता है, कोई भाग थोड़ी गए हम। अजू भाई, लगातार जिस तरह से औरंगजेब की हत्या की गई, हत्या के बाद शहर का माहौल खराब हुआ, तमाम सारी चीज़ें सामने आई, भाजपाइयों ने विधायक सहित धरना भी दिया, क्या कहते हैं, किस तरह से? बेशर्मी है, और अभी भी दोबारा से कह रहा हूँ, फिर दोबारा से कह रहा हूँ यही बात कि जिस तरह से एक शहर की सम्मानित व्यक्ति जो भाजपा के नेता हैं वो कह रहे हैं कि वो 302 को 304 में तरमीम कर देंगे, वो जानते हैं ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन उनका मकसद है कि शहर में आग लगनी चाहिए, शहर में जो है वो झगड़ा होना चाहिए। इस तरह के लोग हैं, इस तरह की मानसिकता के लोग हैं जिन्हें अमन चैन पसंद नहीं आता। ये काणे हैं, इनकी दो आंखें नहीं है, इनकी एक ही आंखें, इन्हें जो है वो नज़र नहीं आता है। और इस प्रकरण में एक बात और बता दूं, सिवाय भाजपा के चंद 100-200 नेताओं के, चाहे हिंदू समाज हो, चाहे मुस्लिम समाज, सिख, चाहे कोई समाज हो, हर समाज ने इस कार्य की निंदा करी है, पूरे ज़िले ने करी है। सिर्फ वो उनको अपनी तादाद देखनी चाहिए जो धरने पर बैठे थे, मात्र 200 लोग, सत्ता की विधायक भी सड़क पर बैठी हैं, मेयर भी बैठे हैं, कितना बड़ा जन आक्रोश उनके साथ नजर आ रहा था, देख के उनको अंदाजा नहीं हो कि उनके साथ जनमत नहीं रहा। अमानवीय विषय पर सांसद जी क्या कह रहे? अमानवीय विषय पर राजनीति करना, मतलब धिक्कार,
कि हमने जेल में छोड़ दें, बहुत बहुत जानते हैं राजनीति करना। धन्यवाद है आपका। बस तो आपकी कार्रवाई ये होती है कि हमने बाबरी मंडी केस में, जिसका बार बार कहते हैं ना कि चौथा आरोपी क्या है जिसमें दमो गिरफ्तार, उसमें तीन हम लोगों ने जेल भेजे थे, समाजवादी सरकार में जेल भेजे थे। ये नहीं देखा जाता है कि क्राइम किसने करा है, ये देखा जाता है कि करा है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, ठीक है। और कार्रवाई किस तरह की कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, चूंकि छह लोग जेल, कार्रवाई क्या, FIR दर्ज हो चुकी है भाई, जो लोग रह गए हैं उन्हें गिरफ्तार कर लो, ठीक है। वीडियो के अंदर जो लोग रह गए, जो नाम जद रहेंगे उन्हें गिरफ्तार कर लो, इन लोगों को जो है वो कुछ मुआवजा दे दो, और जो धाराएं बदलने की बातें चल रही हैं उस पर अपने स्पष्टीकरण दे दो, कैसा नहीं होगा। अध्यक्ष जी से बात करना जी, क्या कहेंगे, लगातार शहर का माहौल खराब करने की नौबत आ गई थी, दोनों समुदाय आमने सामने थे, आज पीड़ित परिवार के साथ आप पहुंचे हैं, किस तरह की मांग की। देखिए, जिस तरीके से औरंगजेब को निर्मम तरीके से उसकी हत्या की गई है और बुरे तरीके से उसको मार पीट करके उसकी हत्या कर दी गई, और दूसरी तरफ भाजपा के नेता और विधायक जी, मेयर साहब ये कहते हैं कि वो चोर था, जबकि कोई प्रमाण उसका पूरे मोहल्ले में, पूरे अलीगढ़ में कोई नहीं दे सकता कि वो चोर था। और अगर वो चोर भी था तो आप जान से मार दोगे, और मारने के बाद जो अपराधियों का साथ लोग दे रहे हैं, ये बड़े दुख की बात है। पूरा हिंदुस्तान आज इस हत्या की निंदा कर रहा है, जिस तरीके से उसको मारा गया है। हमारे परिवार हमारे साथ है, उसकी माँ ये बैठी हैं, ये बीमार हैं, दिमागी बीमारी है इनको, इनकी इसकी बहनें खड़ी हैं यहाँ। हमारी मांग ये है कि जो FIR हुई है उनमें जो अरेस्टिंग हुई है और जो शेष अरेस्टिंग बची है उन सबकी अरेस्टिंग होनी चाहिए, जो मुकदमा लिखा गया है। तरमीम करने की जहाँ तक बात आ रही है, अगर तरमीम करने का प्रयास किया गया तो हम लोग घर नहीं बैठेंगे। अगर वो सड़क पर निकलना जानते हैं तो हम भी सड़क पर निकलना जानते हैं, इसलिए मुकदमा तरमीम नहीं होना चाहिए। जो लोग शेष रह गए हैं उसमें उनकी अरेस्टिंग होनी चाहिए, इन पर NSA लगनी चाहिए, और इस पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता होनी चाहिए। यही मांग हमने आज DM साहब से की है। किस तरह का आश्वासन दिया? DM साहब ने कहा है कि मेरे स्तर से जो मदद हो सकती है वो मैं कर रहा हूँ, और बाकी शासन को लिख के भेजेंगे, और शासन से जो मदद आएगी वो परिवार को दी जाएगी। देखिए, ये मेरे साथ समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद के साथ अन्य पार्टियों के जो नेता हैं वो मौजूद थे। फिलहाल जो औरंगजेब के परिवार के लोग हैं, यानी कि उनकी माँ है, उनकी बहनें हैं, वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। माता जी, ये बताइए, जिस तरह की घटना हुई बेटे के साथ, किस नजरिए से देखते हैं, क्या कहेंगे पूरी घटना को लेकर? देखिए, चलिए, ये बात न करने की हालत में है, नहीं कर पाएंगी, उनकी बहनें मेरे साथ हैं। बहन जी, ये बताइए, आपका भी एक बयान जारी हुआ था घटना के बाद, आप कई मांगे कर रही थी, बुलडोजर की मांग आपने की थी, क्या कहेंगे पूरी घटना को? नहीं, उन्हें घर से बेघर करिए, उनके घर तोड़वाइए, जो नहीं पकड़े गए उन्हें पकड़वाइए। हमें सुकून नहीं मिला, हमें सुकून दीजिए, हमें अभी तक सुकून नहीं मिला। तीसरा दिन हो गया मेरे भाई को, अगर ये हादसा हमारे घर में हो जाता, हमारे घर में पुलिस सील डाल देती, हमें घर से बेघर कर देती। ऐसे ही आप उनके घर तोड़वाइए, उन्हें घर से बेघर करिए, जो नहीं पकड़े गए उन्हें पकड़िए, उन्हें सजाएं मौत दीजिए। हमारे हिसाब से तो वो भी कम है, जैसे उन्होंने हमारे भाई को तड़पा के मारा है, उन्हें तड़पा तड़पा के मार गए। आज आप DM साहब से मिले थे, मुलाकात हो गई DM साहब से, किस तरह का आश्वासन दिया DM साहब? क्या मुझे क्या पता, हमारी समझ में नहीं आ रहे थे, वो ये कह रहे थे जो हमसे हो सकेगा हम करेंगे आपकी मदद की बात कर रहे हैं जी। चलिए, ये देखिए, मेरे साथ जो समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद थे, उसके अलावा और जनप्रतिनिधियों के साथ जो परिवार के लोग हैं वो मेरे साथ मौजूद थे। यानी कि जो औरंगजेब हैं मृतक, उनकी बहन की मांग ये है कि जो हत्यारे हैं, जो आरोपी हैं, उन पर कहीं ना कहीं कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और कहीं ना कहीं वो उनको बेघर करने की, यानी कि बुलडोजर सरकार में बुलडोजर चलाने की मांग कर रही हैं। लेकिन देखने वाली बड़ी बात ये होगी कि आखिरकार अब आरोपितों के विरुद्ध किस तरह की कार्रवाई अमल में लाई जाती है। फिलहाल मेरे सहयोगी अजरनाबाद के साथ, मैं विनय माथुर, श्रेष्ठ UP, अलीगढ़। UP की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ UP को सब्सक्राइब और लाइक करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।